गाड़ी में बैठ के? हाँ, मैंने इन सारे मोबाइल्स में 2 मिनट के बाद का अलार्म लगा दिया। इसे फेंकने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त होगा। बस इस तरफ से मोड़ लीजिए, ये शॉर्टकट हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लंच पिया खाऊंगे। रुकिए रुकिए, वो देखिए अंशर पिया, वो बस बोरे बोरे। अंशर गुड़िया, अविनाश जी गाड़ी रोकिए प्लीज। वो नहीं इस इलाके की सीमा, हमें बस उसे पार करना होगा, उसके बाद ये मृतकी हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। वो इसकी फिक्र मत करो गुड़िया, ये इस वक्त इतनी कमजोर है कि किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अविनाश, चैताली को कैसे लेंगे, वो कहाँ है? अभी आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ के ऑफिसर से बात कर ली है, वो चैताली को घर सही सलामत पहुँचा देंगे। मुझे ये उतार दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर ऐन मौके पे आपने हमारी मदद नहीं की होती तो हम में से कोई नहीं बचा होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी बीवी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों की मदद कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र सिंह। बैठ जाओ बेटा।
कृपा है। किस बात की तसल्ली तो है कि इतने भागदौड़ के बाद बच्चा हमारा बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। लेकिन इस डायन का क्या करेंगे? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, बार बार आकर बच्चे पर हमला करने की कोशिश करेगी। ये आपको मोना से डरने की जरूरत नहीं है मेजर जी, मैं इसे आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर ले जाने वाला हूँ। तुम्हें और बच्चे को अब मोना से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए अंश और परिवार से भी दूर रहने की जरूरत नहीं है। तुम अब खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपने घर जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब आप क्या करेंगे समधी जी? मुझे फिर से तहखाने में बंद कर देंगे? नहीं, तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? ऐसा भी क्या राज है जो आप मुझे नहीं बता रहे? आप जानते हैं ना, आप मुझे मार नहीं सकते। थोड़ी ही देर में मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, फिर आपका क्या होगा ये आप सोच लीजिए। क्या हुआ, डर गए? डरने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है मोना। डायन वृक्ष, आप मुझे मेरे ही वृक्ष के पास लेके आए हैं, क्यों? इतने भी क्या जल्दी है मोना, अभी पता चल जाए। अपनी रिसर्च में मैंने डायन से निपटने का एक नया तरीका ढूंढा है। जब तक तुम्हारे पैरों में ये बेड़ियां बंधी रहेंगी, तब तक तुम्हारी शक्तियां तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले खुद को तो बचा लो।